हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं छोटी बेबी का शरारा और कुर्ती। तो यहाँ पे ये बेबी 3 साल की है, तो इसके लिए हमने ये ड्रेस बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कुर्ती का मटेरियल लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने अस्तर लिया है और एक जिप ली है जिसको हम कुर्ती में पीछे से अटैच करेंगे ताकि पहनने में आसानी रहे। और ये हमने यहाँ पे अस्तर लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसकी हम कुर्ती बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अस्तर लिया है और इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसके शोल्डर पर निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे हमने बेबी का 4.5 इंच पे निशान लगाया है और इसके आर्म होल भी हमने 4.5 इंच ही ले लिए हैं। और इसकी जो फिटिंग है, तो छोटे बच्चे की फिटिंग नहीं होती है वैसे, तो हमने यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाना है। तो इसका हमने 6.5 इंच पे लगा दिया है क्योंकि सिलने में भी थोड़ा कपड़ा जाएगा। और यहाँ पर हम इसके आर्म होल बना देंगे। तो आर्म होल पर भी हमने सिर्फ 1 इंच का ही यहाँ पर छांट दिया है। तो अब इसकी फिटिंग एरिया पर निशान लगाएँगे। तो जैसे बड़े लोगों को हम 7 इंच पे लगाते हैं, तो बच्चों को हमने यहाँ पे 5 इंच पे फिटिंग एरिया पे दिया है। और टोटल यहाँ पे जो हिप एरिया है, हमने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे बच्चों की फिटिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने 1/2 इंच पे यहाँ पे हल्की सी फिटिंग दे दी है। इस तरह से इसको हम घुमा देते हुए यहाँ पर नीचे मिला देंगे। तो यहाँ पर हिप एरिया पर भी हम 1/2 इंच को बढ़ाते हुए ले लेंगे। तो अब इस तरह से ये हमने थोड़ा सा मार्जिन ले लिया है 1.5 इंच का। तो यहाँ पे हम कुर्ती की हाइट 19 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 19 इंच का निशान बनाया है और यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब इसको हम सीधा कर देंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे। तो नीचे से कट करने के बाद अब हम इसके आर्म होल कट करेंगे। छोटी बच्ची का है तो यहाँ पे हम कोई छांट नहीं देंगे, ये नॉर्मल कुर्ती कट करेंगे हम यहाँ पे। अब हमने इसको बीच से अलग कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों पार्टों को खोल लेंगे और इसके गले पे निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे हम गले पे 2.5 इंच पे निशान बनाएंगे और इसके बाद में इसकी जो हाइट है यहाँ पर हम 4.5 इंच के रखेंगे। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा घुमा देंगे, जैसे कि गला बनाते हैं, गोल गला। तो इसको अब हमने कट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमने एक पार्ट के नेक को कट कर लिया है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे दूसरा पार्ट भी ले लिया है। तो इस पर भी हम जो हमने गले पे निशान बनाया था उस पर, तो 2.5 इंच का बनाया था, तो यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच पे निशान बनाया है। तो ये हमारा जो पार्ट है जो बैक का है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा गला नहीं करना है, बस हमें 2.5 इंच पे निशान बनाना है। और जो फ्रंट का था वो हमने 4 इंच पे निशान बनाया था। तो इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे क्योंकि इसके बैक पार्ट में हम जिप अटैच करेंगे, तो इसलिए हमने छोटा ही गला कट किया है क्योंकि बच्चों को हम ज़्यादा बड़ा गला नहीं कट करते हैं। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे अस्तर काटा है, उसी को इस तरह से फैब्रिक पे रखते हुए इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती कटिंग हो गई है। तो चलिए अब इसकी हम सिलाई करते हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से ब्लाउज पीस या इस तरह से कोई कपड़ा है, तो आप भी अपनी बेटी के लिए इस तरह से शरारा और कुर्ती बनाइए, बहुत ही प्यारी लगेगी। तो अब हमें क्या करना है, दोनों पार्ट्स को अच्छे से अलग अलग कट कर लेना है। इसके बाद हमें फैब्रिक और अस्तर को दोनों को आपस में अच्छे से मिला देना है और यहाँ पे पिन की सहायता से हमें चारों तरफ बिल्कुल बराबर इस तरह से इसको चिपका देना है ताकि सिलते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद यहाँ पे हमें लंगड़ लगा लेना है, मोटी सिलाई रखनी है और इस तरह से पूरी कुर्ती पे हमें
सिलाई लगा देनी है अच्छी तरीके से। अस्तर और फैब्रिक को हमें अच्छे से जोड़ देना है आपस में इस तरीके से, ताकि सिलने में आसानी रहे। चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पार्ट पे अच्छे से सिलाई लगा दी है। तो अब हमें क्या करना है, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरह से कट करके निकाल देना है चारों तरफ से। तो हमने आगे का और पीछे का दोनों पार्ट में अच्छे से इस तरह से आपस में सिलाई लगा के चिपका दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बैक पार्ट लिया है और इसको हमने बीच से निशान लगा दिया है। तो अब हमें देखना है कि हमें अपनी जिप को कितना लगाना है। तो यहाँ पे हमने 8 इंच की जिप कट की है और उतना ही हमें कट कर लेना है बीच से। कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि 1 इंच हमें जिप बड़ी रखनी है जहाँ से हम कट कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमने एक पट्टी ली है, सबसे पहले हम पट्टी लगा देंगे पीछे, जैसे कि आप बटन में या हुक में पट्टी लगाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसको हमने इस तरह से बीच से कट कर लिया है। तो यहाँ पे ये हमने दोनों पट्टियाँ अच्छे से कट कर ली हैं। अब इसको इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और हम इस तरह सिलते हुए इसको नीचे तक लाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमें वहीं पे उसको नीचे छोड़ देना है। और दूसरी पट्टी को भी हमें ऊपर से ऐसे ही लगाते हुए लाना है और नीचे छोड़ देना है। और यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए हमें इसको लॉक कर देना है यहाँ पे। तो अभी इस तरह से पट्टी को हमें अंदर फोल्ड करते जाना है और यहाँ पे इस तरह से चेन रखनी है और चेन को थोड़ा सा 1/2 इंच हमें बाहर निकालते हुए और इस पर सिलाई लगा देनी है नीचे तक। और जो बची हुई पट्टी है उसको हम अंदर चेन के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। इसको अच्छे से अंदर करना है हमें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर अच्छे से अंदर नहीं है तो आप एक छोटा सा कट लगा दीजिए और इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए आप सिलाई लगाते हुए ऊपर तक लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जिप है अच्छे से सेट हो गई है। तो यहाँ पे हमारी जिप अच्छे से अटैच हो गई है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का कपड़ा लिया है, तो उसमें हमने करीब 1.5 इंच की यहाँ पे पट्टी तैयार की है। तो अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए साइड में इसको हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि हम ब्लाउज वगैरह में नॉट बनाते हैं तो वो थोड़ा पतला होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा चौड़ा बनाएंगे। अब इसको हमें सुई की सहायता से सीधा कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने अपने दोनों नॉट अच्छे से निकाल लिए हैं सीधे करके। तो हमने यहाँ पे अब 4 इंच पे निशान बनाया है। तो जहाँ पे हमारी चेन है वहाँ से 2 इंच हमने इस साइड लिया है और 2 इंच उस साइड लिया है और दोनों इंच में हमें यहाँ पे इस तरह से ये बेल्ट लगा दी है। इस तरह से अब हम इसमें छोटे छोटे से लटकन बनाएंगे जो कि हम कपड़े के ही बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मुड्डी अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे गले की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे चेन को थोड़ा सा खोल दिया है और वहाँ से कट करते हुए। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे कपड़ा लेंगे, जिस कपड़े का हम सरारा बनाएंगे उसी की पट्टी बनाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्रॉस पट्टी कट कर ली है। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से एक साइड में खींचते हुए हमें अपने पूरे गले पे पट्टी को सेट कर देना है। गले की पट्टी लगाना बहुत ही आसान होता है। अब इसको हम अंदर की साइड पलट देंगे, इस तरह से अंदर एक फोल्ड करेंगे और इसको अंदर बिल्कुल ही पलट देंगे हम।
तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से हमने गले की पट्टी लगा ली है। तो अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर में भी हमें पट्टी लगानी है। जैसे कि हमने अपने गले पे पट्टी लगाई है, सेम उसी तरीके से हमने शोल्डर पे भी पट्टी लगा दी थी, और जो हमने यहाँ पे निशान बनाए थे सेम उसी निशान पे हमें अपनी कुर्ती में फिटिंग दे देनी है। दोनों साइड में, और यहाँ पे हमें तो फिटिंग देने के बाद यहाँ पे हम कुर्ती के चाक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारा शरारा का कपड़ा है उसकी पट्टी निकालेंगे, और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे नीचे की साइड पट्टी रखते हुए ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, और इसको हमें सामने की साइड में फोल्ड करना है फ्रंट साइड में इस तरह से। ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का मैचिंग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक लेस लेनी है और इसको इस तरह से फ्रंट में लगाना है। तो आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकती हैं, और पीछे की साइड में हमें ऐसे ही फोल्ड करते मशीन चला देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट अच्छे से हमने नीचे से कवर कर दिया है। तो अब इसके बाद हम बचे हुए चाक को यहाँ पे अंदर को फोल्ड करते इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कुर्ती है फाइनली बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम शरारा बनाते हैं। तो शरारा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 मीटर लेस ली है, और इलास्टिक ली है 1 इंच चौड़ी वाली, और यहाँ पे हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो हमने इसको इस तरह से यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी इलास्टिक है वो कितनी है, तो उसी के हिसाब से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे कि कितना कपड़ा ऊपर आ रहा है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमारी जितनी कमर है उसमें हम 4 इंच ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कमर है वो 24 इंच की है, तो यहाँ पे हमने 4 इंच ऐड किया है। तो यहाँ पे जैसे कि कपड़ा को हमने 4 फोल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे हमने 10 इंच अपनी कमर में निशान वाला लगाया है, और यहाँ पे हमने 8 इंच का आसन लिया है, और 1.5 इंच पे हमने इस तरह से यहाँ पे कर्व दे दिया है। कर्व देने के बाद यहाँ पे हमें थाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे थाई पे निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे शरारा की थाई है वो 12 इंच की है। तो हमने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया है, और नीचे को हमने यहाँ पे 3 इंच घुमाव दिया है, और इसको हम इस तरह से अब सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने घुमाव दिया है वहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और इसको इस तरह से नीचे से हमें कट करके अपर पार्ट को अलग कर देना है। तो हमारे जो शरारा है उसका जो ऊपर का पार्ट है वो अच्छे से कट गया है। तो हमें दोनों को पार्टों को अच्छे से अलग कर देना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स अच्छे से अलग अलग हो गए हैं। तो अब यहाँ पे जो 1.5 मीटर हमारे पास कपड़ा था, तो हमने उसमें अपर पार्ट निकालने के बाद हमारे पास ये कपड़ा बचा है। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है 22 इंच की है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच की है। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों पैर के 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे शरारा की कटिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर का ही बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अपने आसन को इस तरह से आपस में रखते हुए जोड़ लेना है। दोनों साइड में हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है इस
तरह से इसके कोने पकड़ते हुए यहाँ पे, और हमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऊपर का भाग है अच्छे से सिल गया है। अब हमें क्या करना है, जो इलास्टिक थी यहाँ पे, अब हमें इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से इसको एक फोल्ड यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ पे हमें इस किनारे से उस किनारे तक आधा इंच कपड़ा इस तरह से दबाते हुए सिलाई लगा देनी है, ताकि हमें इलास्टिक लगाने में बहुत आसानी हो और बहुत ही सफाई से लग जाए। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपनी इलास्टिक का माप लेना है। तो जैसे कि ये हमारी जो कमर है यहाँ पे तो 22 इंच की है, तो हमें इस तरह से इसका मेजरमेंट निकालना है। तो 22 इंच में से हमें यहाँ पे 4 इंच कम कर देना है। तो अगर आपको इस तरह से भी समझ में नहीं आता है, तो आप जिसका भी सरारा या प्लाजो बना रहे हैं, तो उसकी कमर पे इस तरह से जहाँ तक आपकी इलास्टिक जो कंफर्टेबल होती है वहाँ तक माप लीजिए, और देखिए खींच के कि आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको करीब 5 इंच कम कर दिया है, 1 इंच हमने और कर दिया है, क्योंकि जो ज़्यादा मोटी इलास्टिक होती है वो थोड़ा ज़्यादा टाइट होती है, ये 1 इंच की इलास्टिक है तो थोड़ी ज़्यादा लूज़ हो जाएगी। तो अब हमें इस तरह से रखना है। तो एक पैर की सिलाई हमने पहले ही लगा दी थी, अब इस तरह से रखते हुए जाना है, और हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है इलास्टिक पे ना लगे, नहीं तो बाद में खींचने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से मिलाते हुए जाना है और लास्ट तक हमें सिलाई लगानी है। तो सिलते समय जैसे हमारी इलास्टिक यहाँ पे ख़त्म होती है, आप इसको वापस खींचिए और इस तरह से बड़ी सफाई से इस किनारे से उस किनारे तक लगाते हुए लाना है। तो इस तरह से हमने पूरे कमर पे अच्छे से इलास्टिक लगा दी है। तब किनारे पे आके यहाँ पे हमें अच्छे से उसको डबल सिलाई लगा देनी है, ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। अब हमें खींच खींच के इसकी जो चुन्नट है अच्छे से बिल्कुल बराबर करना है। अगर हम बराबर नहीं करेंगे तो हमारा एक साइड में ज़्यादा प्लीट हो जाएंगे, जिससे एक साइड में बहुत लूज हो जाएगा और दूसरी साइड में एकदम टाइट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस तरह से खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी इलास्टिक अच्छे से लग के तैयार हो गई है, और कमर भी हमारी बराबर उतनी ही बैठ रही है जितनी हमें चाहिए। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो ऊपर का पार्ट था अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे जो हमारे जो नीचे के पार्ट हैं उनको तैयार करना है। तो यहाँ पे जिस कपड़े का हमने कुर्ती बनाई थी, उस कपड़े की पट्टी हमने यहाँ पे ली है, और इस तरह से हमने नीचे के पार्ट में इस तरह से रखा है, और हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें सामने की साइड में पलटना है। जैसे कि हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट में एक चौड़ी पट्टी लगाई थी, इससे हमारे जो कुर्ती और सरारा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अब हमें ऊपर की साइड में इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए आएंगे, और फिनिशिंग देते हुए हमें यहाँ पे मशीन लगाना है, और नीचे की साइड में अच्छे से पूरे पार्ट पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे
हमने जो अलग से कपड़ा लगाया था वो अच्छे से लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेस कुर्ती पे लगाई थी वही लेस को हम इस पट्टी के ऊपर से लगाएंगे ताकि शरारा में नीचे से झुकाव आए और बहुत चलने के बाद बहुत अच्छा लगे वो। तो इस तरह से हमने नीचे के साइड में पूरा लेस अच्छे से अटैच कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, सिलाई को हमें बड़ा करना है और इस तरह से हमें मशीन से चुनट बनानी है। तो देखिए कितनी अच्छी मशीन से चुनट बन रही है, बहुत ही अच्छी बन रही है। तो इस तरह से एक पार्ट में हमारे अच्छे से चुनट बन गई है। अब हमें इसको अटैच करना है। तो हमारा जो यहाँ पे थाई है हम उसी हिसाब से अपनी चुनट को उतना ही रखेंगे कपड़े को, जितना हमें इस कोने से और उस कोने तक हमारा सेट हो जाए। बाकी कपड़े को हम चुनट में एडजस्ट कर देंगे, एक धागा ऐसे निकालेंगे और साइड से खींच लेंगे इस तरह से। अगर हम मोटा सिलाई करके इस तरह से चुनट बनाएंगे तो मशीन से ही बड़ी आसानी से हमारी चुनट अच्छे से बन जाती हैं। अब इसको इस तरह पकड़ते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से चुनट को बिल्कुल बराबर करते हुए हर जगह अच्छे से फैला देंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने नीचे वाले पार्ट को अच्छे से जोड़ लिया है, उसमें कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी सिलाई को दबाने के लिए यहाँ पे हमने एक पतली लेस ली है और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी हम इसकी जो सिलाई है उसको कवर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना प्यारा लुक आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जिस तरह से हमने ये वाला पैर जोड़ा था उसी तरह से हमने दूसरा पैर भी जोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे हम अपने शरारे में फिटिंग दे देंगे और चारों तरफ अच्छे से डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा शरारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और कुर्ती भी हमारी तैयार हो गई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके घर में भी प्यारी सी बेटी है तो आप अपनी बेटी के लिए भी इस शरारा कुर्ती ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एक 18 साल की लड़की के लिए कुर्ती और शरारा बनाएंगे 3 लेयर का। बाय बाय।